वैसे तो सारी दुनिया मानती है कि भारत का विदेशी डिप्लोमेसी में कोई मुकाबला नहीं है, और अगर ये क्रेडिट किसी को जाता है तो पहले तो सबको मालूम है कि पीएम मोदी हैं, लेकिन उनके सिपाही भी एक से बढ़कर एक हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के आने के बाद देश की विदेश नीति में नई रीत शुरू हुई है। पहले भारत पर कोई सवाल उठाता था तो भारत इग्नोर करता था, लेकिन अब भारत पलट कर जवाब देता है और उनकी पोल खोलता है। डिप्लोमेसी का न्यू डैडी बन चुका है भारत। जर्मनी में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के दिग्गज नेता पहुंचे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए एक पैनल डिस्कशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक माहौल में भारत की विदेश नीति के साथ साथ इसराइल हमास युद्ध, यूक्रेन युद्ध जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मंच पर उनके साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक भी थी। इसी दौरान उनसे रूस यूक्रेन युद्ध और इसके बाद भी भारत का रूस से तेल खरीदना जारी रखने को लेकर के सवाल पूछा गया। फिर जो जवाब उन्होंने दिया वो करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने वाला था। पहले आप वो सुनिए, फिर आगे आपको जानकारी देंगे। Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case. Because, look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, you know, there's an alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and, you know, unsentimentally transactional. We are not. You know, we get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but, you know, there are times when, you know, when you're located in different places, have different levels of development, different experiences, all of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. And I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. Yeah. वही जब म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का समापन हो गया तो सभी नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी को थोड़े अचरज में डाल दिया। दरअसल भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नजर जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पड़ी तो वो खुद ही उनकी ओर बढ़ते हुए चले आए। वांग यी मंच से उतरे और जयशंकर की ओर बढ़ गए। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, फिर गुफ्तगू करने लगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी मुलाकात कर रहे थे उसी वक्त विदेशी मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेर लिया। दोनों नेताओं ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की, उन्हें फिस्ट बम्प भी देते हुए देखा गया। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई इसकी जानकारी नहीं है। जयशंकर और वांग की ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब चीन बॉर्डर पर अपनी आक्रामकता दिखा रहा है। भारत भी चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी के साथ सीमा पर तैनात है।